दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे आपको मिलेंगी रोचक जानकारियाँ हिंदू पर्व और हिंदू धर्म के अलग अलग तिथियों के बारे में। आज का हमारा सब्जेक्ट है भीष्म अष्टमी। दोस्तों 13/2 यानी कि 13 फरवरी 2019 को भीष्म अष्टमी है। माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीष्म अष्टमी के तौर पे मनाया जाता है। इस दिन भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ा था, यानी कि उनका निर्वाण दिन है, जिसे हम भीष्म अष्टमी के तौर पे जानते हैं। कथा वस्तु दोस्तों इस तरह है कि भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक बार शिकार करने को गए थे। शिकार करते करते उन्होंने हरिदास केवट की लड़की मत्स्यगंधा को देखा। मत्स्यगंधा का सौंदर्य अनुपम था। राजा शांतनु मत्स्यगंधा के सौंदर्य से मनमोहित हो उठे और उन्होंने हरिदास केवट के पास जाके उसका हाथ मांगा, मगर हरिदास केवट ने ये कहते हुए उनको मना कर दिया कि आपके राज्य का उत्तराधिकारी तो आपका बेटा देवव्रत होगा, इसलिए मेरे लड़की की मैं आपके साथ शादी नहीं करूँगा। राजा शांतनु उस वक़्त तो ना बोल के निकल गए वहाँ से, मगर राजा शांतनु का मन किसी और चीज़ में लग नहीं रहा था। उनको मत्स्यगंधा की यादें व्याकुल कर रही थी। राजा को व्याकुल देख के उनके लड़के देवव्रत ने उनसे पूछा कि क्या हुआ पिताजी। देवव्रत को सब बात जानने के बाद उन्होंने हाथ में गंगा जल लेते हुए प्रतिज्ञा ली कि वो आजीवन अविवाहित रहेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा लेने की वजह से उनको भीष्म पितामह का नाम मिला। भीष्म पितामह पर खुश होते हुए उनके पिताजी शांतनु ने उन्हें इच्छित मृत्यु का वरदान दिया। इस दिन सूर्य देव दक्षिण से उत्तरायण जाते हैं, इसलिए माघ शुक्ल अष्टमी के तौर पे ये मनाया जाता है। इस दिन भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र में अपने देह को छोड़ा था। इस दिन दोस्तों कुछ तिल जल का दान करना चाहिए। इस दिन दोस्तों श्राद्ध करना चाहिए और संतों को दान करना चाहिए। ये सब करने से हमें मोक्ष प्रदान होता है। हैप्पी भीष्म अष्टमी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे लगा हुआ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अगली बार फिर मिलेंगे। जय हिंद।